ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ MLA ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, MLA ਮੀਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग वालों MLA साहब मीत हेज जी बरनाला साड़ी पार्टी के MLA अमन अरोड़ा जी की अगवाई देख जिहड़ियां पिछले दिन कैबिनेट वालों पंजाब कैबिनेट वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वालों जिहड़ियां मैडिकल फीसा दे वाधा किया गया उस वाधे को वापस कराने असी मैडिकल सिक्ख्या बारे मंत्री ओम प्रकाश सोनी जी की कोठी के बाहर धरना दे रहे और यह असी जंग उन्ना चिर तक जारी रखांगे जिन्ना चिर तक साड़ियां मंगां नहीं मनिया जांदियां और अं समझते हैं कि गरीब लोगों के हितों के उत्ते बहुत वड्डा एक डाका मारिया सरकार ने डाका मार के गरीबों लई मैडिकल सिक्ख्या के दरवाजे जिहड़े बंद कर ये बहुत मतलब घटिया कार्रवाई की अगेंस्ट अं इतने धरने के उत्ते असी अगे तो लंबा संघर्ष करांगे पार्टी ने तय किया अज अं इतने आए फिर अभी मुख्यमंत्री की कोठी के बाहर भी जावे कोई नहीं रोकता तो कोई नहीं बैरीकेड लाने सा काम है इतने बहेंगे धरना देंगे ठीक है कि नहीं कर पुलिस की अपनी ड्यूटी है साड़ी अपनी ड्यूटी। हाँ जी मैं अशोक तलवार सिटी प्रेजिडेंट आम आदमी पार्टी सर साडा अज धरना हैगा आ बहुत बेतहा हो गई अज ते कैप्टन सरकार ने एजुकेशन अदारियां दियां खास तौर पर मैडिकल दियां फीसा डबल कर दित्तियां गईयां इहदा असीं सीधा तो सीधा कारण समझदे हैं कि गरीब का बच्चा बिल्कुल ना पढ़ पाए गरीब के बच्चे बिल्कुल एजुकेशन ना मिल पाए आ सरकारां नहीं कर रही हैगियां और दूसरे पासे साडी दिल्ली की सरकार है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल जिहड़ा उन्होंने बेटे के नाल उन्होंने घर जो काम करना आता ना उसका बच्चा भी सेम क्लास से सेम डेस्क से बैठा है तुम सोशल मीडिया से फोटो देख सकते हो कोई झूठ नहीं कहा जा रहा लेकिन कैप्टन सरकार हर गरीब दलित वर्ग को वंचित कर रही है एजुकेशन तो उस करके असी आ नहीं होंगे ना और इस करके असी आज धरना लगाया है सोनी साहब की कोठी का घराव किया है और मैं कल ही पता लगा कि सोनी साहब अज 9 बजे चले गए हैं सवेरे 6 बजे चले गए हैं इस तरह तो नहीं हो सकता तुहानू दो सोनी साहब MLA मिलन आए ने शहर के मोहतबर बंदे मिलन आए ने तुहाडा मौजूद रहना जरूरी हैगा सी तुसीं उन्हां नू बैठ दे गल कर दे ते अपने लोगों की आवाज़ कैप्टन सब सरकार तक पहुँचाते आ कोई साडा मसला हैगा आम आदमी पार्टी का मसला आ लोगों का मसला है लोक हित का मसला हैगा तुसीं कितनी देर भज रहेंगे भज जाऊंगे लोग तुहानू देख रहे हैं जिन्ना भजना भज लो साडी आम आदमी पार्टी ने दृढ़ निश्चय है साडा कि असी आ काला कानून जिहड़ा फीसा वधाई है डबल की है असी वापस लैके ही रहांगे धन्यवाद। यही मंगा नू लैके कि असी जे दूजे स्टेट जिहड़े साडे गवांढी ने जे वह MBBS दी फीसा MD दी फीसा ना मात्र लैके हजारां रुपए दे विच डॉक्टर बना सकते हैं MBBS डॉक्टर बना सकते हैं MD डॉक्टर बना सकते हैं तो पंजाब सरकार नू क्यों है ये क्यों नहीं बना सकते। सो यही एक फीसा घटाउण नू लैके ते दूजा स्टाइपेंड वधाउण नू लैके क्योंकि ये मंग पंजाब दे डॉक्टरां दी बड़े लंबे समय तो है क्योंकि बड़े लंबे समय जिहड़े पंजाब दे डॉक्टर ने उन्होंने स्टाइपेंड साडे जिहड़े गवांढी स्टेट ने जिथे उन्होंने नालों फीसा ज़्यादा ने स्टाइपेंड घट मिल रहा है पर हुण जदों महामारी दौरान जदों करोना लॉकडाउन दौरान आ जिहड़े साडे फ्रंट ते होके डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटलों के इलाज कर रहे हैं करोना के मरीजों का तो उन्होंने उम्मीद सी कि सरकार सानू शाबाशे देगी सानू इंसेंटिव देगी साडियां जिहड़े स्टाइपेंड ने साडियां तनखाह दे विच वाधा करूगी पर एड्डी नकम्मी सरकार मैं समझता कि बड़े अफसोस की गल है साडे पंजाब दे सूबे लई ते शर्म की गल है पंजाब सरकार लई कि तुसीं डॉक्टरां नूं हौसला अफजाई तां की करनी सी उन्हां नूं शाबाश तां की देनी सी उन्हां दे स्टाइपेंड ते तनखाह तां की बढ़ाउणियां सी उल्टा मैं समझता कि साडे डॉक्टरां दा निरादर कीता उन्हां दी पिट दे विच जिहड़े अज फ्रंट ते साडे योधे लड़ रहे हैं उन्हां दीआं फीसां वधा के स्टाइपेंड घटा के उन्हां दी पिट दे विच छुरा मारिया। सो यही मंगां नूं लैके कि जिहड़ियां फीसां ने उह वापस लओ वापस की असीं कहिंदे आ कि दूजे स्टेट दे आधार ते क्योंकि केवल जे बिल्कुल मुफ्त भी करदे पंजाब सरकार तां केवल 10 करोड़ रुपया बणदा है या साडे पंजाब कोले जिहड़ा
डेढ़ लाख करोड़ का बजट पेश करता है जिदे च हजारा करोड़ रुपया जो अमन जी ने दसिया है कि इतने रेत माफिया लैके भज जाते हैं। रोपड़ की एक प्राइवेट कंपनी जिदे ते परचा दर्ज होया होया डीसी ने उत्थे जदों चैक किया कि उन्होंने खंडा की मेजरमेंट चैक की तो 650 करोड़ रुपया एक प्राइवेट कंपनी कली माली खड़ा से असं 650 करोड़ उन्होंने चढ़ सकते हैं शराब के ठेकेदारों चढ़ सकते हैं पर असी 10 करोड़ रुपया जेड़े अज साडी स्टेट की जिन्होंने सेवा करनी है साडे आप दे बच्चों नू नहीं चढ़ सकते। सो ये बड़ा मंदभाग है जिन्ना टाइम पंजाब सरकार इन वापस नहीं लैंदी उन्ना टाइम आम आदमी पार्टी साडा यूथ विंग साडा CYSS साडा समुचा आम आदमी पार्टी का ढांचा उन्ना टाइम ओपी सोनी चाहे अमृतसर छड़ के चंडीगढ़ भज जाण चाहे उत्थों पटियाले चले जाण जिथे पंजाब च जाणगे जिथे भी जाणगे उत्थे आम आदमी पार्टी जाके इन्हां दा घराओ करूगी। डेढ़ साल इन्हां दी नींद हराम करी रखांगे जिन्ना टाइम जिहड़ियां डाक्टर ने फीसां वधाईयां जिहड़ियां इह बस नहीं इस मंग पत्र जी जो फीसां वधाईयां गईयां ने उस संबंधी मंग पत्र सीगा जी इन्हां दी मंग है कि फीसां घटाईया जा ते डॉक्टरां नूं होर वध तों वध इंसेंटिव दित्ता जावे उहदे संबंधी मंग पत्र है जी। इन्हां नूं आश्वासन दिलाया गया कि असीं मुख अधिकारियां तक चंडीगढ़ हैडकुआटर च मंग पत्र पहुँचावांगे जी। इन्हों नू बहुत वारी जी असी अपील की सी कि शांतिपूर्वक तरीके प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए पर अपीलों तो बाद भी काफ़ी नदियाँ ने मनिया नदियाँ नहीं मंगे जी। एक हजूम हों हजूम की एक अलग मैंटैलिटी होंगी है लोगों को यही अपील है जी अपने घर में रहन तो जिदा का कोई प्रदर्शन करना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाल ही कर अपना मूँह जरूर ढके रहन। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।